अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन की आकस्मिक पंचायत स्थान तिकोनिया पार्क जिला महिला अध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुई तथा पंचायत का संचालन डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने किया। पंचायत में पूर्व मंडल प्रमुख महासचिव श्रीराम वर्मा को नवायुक्त प्रदेश सचिव का पद मिलने पर माल्या अर्पण के साथ एक दूसरे को मिठाई बांट कर भव्य स्वागत किया। इसी के साथ तमाम ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए 8 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा। उप जिलाधिकारी सदर से वार्ता हुई जिसमें सभी समस्याओं के निस्तारण करने का वादा किया गया तथा संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए विचार रखे गए। 31 तारीख को राष्ट्रीय पंचायत में सबकी भागीदारी की चर्चा की गई और सबको कहा गया कि सब अपने निशान में हथियार के साथ 31 जुलाई को मजबूती से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। आज तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई महिला विंग के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम लगाया गया है और ये कार्यक्रम केवल जो है प्रशासन जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते लगाया गया है, क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं। 25 साल पुराने कार्यकर्ता हमारी महिला की जो है माता जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं गंगा जली, इनके खेत पर जबरदस्ती कब्जा जो है लेखपाल की मिली भगत से और जो है तहसीलदार की मिली भगत से वहाँ हो रहा है तारुण में, और इनका मोटर दिन दहाड़े खुल गया जो है चोरी हो गया दीवाल तोड़ करके। नामजद FIR के लिए तहरीर दी गई, SPRA महोदय से हम लोग स्वयं जिला अध्यक्ष के साथ मुलाकात किए थे। इसके बाद एक तहरीर थाने में नहीं दर्ज हो रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस दोबारा ये जोगी जी की सरकार में जो है हम लोग जो उम्मीद लेकर के काम किए और जो है आज हम लोग जो है इनका उम्मीद लगा करके जो न्याय की उम्मीद करते हैं उस पर जो है ये जिला प्रशासन के लोग उस पर पानी फेरने में लगे हैं। और आज की पंचायत में बुलाया गया है जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के माध्यम से, अगर थाना अध्यक्ष तारुण आकर के समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास पर महिला और जेंट्स कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आज आर पार की होगी, उसमें जो भी हमको कुर्बानी चुकानी पड़ेगी मैं तैयार खड़ा हूं। ये इंतजार मात्र 2.5 घंटा, 2.5 घंटे बाद सीधे कप्तान के ऑफिस पर आवास पर कूच किया जाएगा और वहीं पर आमरण अनशन। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9 4 1 2 2 8 2 7 5 7 9 4 5 6 2 1 4 0। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विकास खंड नकहा की ग्राम पंचायत सहजनी में जल निगम विभाग द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण मानक व गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है। ग्रामीणों ने बताया टंकी की बाल बाउंड्री की नींव में पीला ईटा और पीला रोड़ा का प्रयोग किया गया है। दीवाल में पीला ईटा का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार के करोड़ों रुपए पर पानी फेरा जा रहा है। हमारे संवाददाता के द्वारा जेई अरविंद से बात की गई, जो कि जेई अरविंद साइट इंजीनियर हैं। उन्होंने कहा विधिवत जाँच करके कार्रवाई की जाएगी, आगे देखना है क्या सुधार आता है। खबरें मिली रही है? हाँ, खबर तो देना है पूरी। का नाम आप क्या रहा है? बहादुर। कहाँ रहा? चौफेरी। अच्छा, ये बन रहा है तो इसमें क्या कमियां दिखाई दे रही? पूरी है, ये काम इतना बढ़िया होता कहाँ है, सब बेकार काम पूरा होता है। ईटा कौन सी लग रही है? दोमा बिल्कुल पीला लग रही है। अच्छा, मसाला का क्या लगा रहे हैं? 8 एकड़ लगाओ तो 7 एकड़ बताओ सर, ऐसा जोड़ दो फिर बन जाए काम। अच्छा, ये क्या बनना है? टंकी? हाँ, टंकी बन रही है, देखिए आप टंकी की बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री बन रही, देखिए आप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। राजस्थान के बारा अटरू न्यायालय व छबड़ा न्यायालय में यथास्थिति आदेश के बावजूद भूखंड पर लगातार निर्माण करवा रहे विवादित भूखंडधारी के भूखंड को न्यायालय आदेश पर नगरपालिका ने सील लगाकर वहां से सामानों को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार अटरू के डिप्टी ऑफिस की पांक्ति में सालपुरा रोड पर स्थित इस भूखंड को लेकर राजेंद्र नागर पुत्र जानकी लाल नागर व निर्मला सोनी पत्नी नबल सोनी के मध्य लगभग 5 वर्षों से मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर अटरू व छबड़ा न्यायालय ने यथास्थिति आदेश जारी कर रखे हैं, मगर राजेंद्र नागर द्वारा कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर पुलिस व नगरपालिका ने पहुंचकर काम रुकवा दिया था। बांस बल्ली जब्त कर नगरपालिका ने नोटिस लगाते हुए सील कर दिया है। कार्यवाही के समय पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। गुजरात के भावनगर में घोगा तालुका के भादी में त्रावक गांव तक सड़क के काम को 2 साल पहले मंजूरी दी गई थी और उसके बाद सड़क का काम भी शुरू किया गया था। सड़क के काम के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और किसानों को मुआवजा दिया जाना बाकी है। अब तक बंद कर दिया गया है और तब से अब तक 2 साल से अधिक समय हो गया है। लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी या राजनीतिक दल द्वारा किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। सीताराम सेवा समूह रानी गांव द्वारा भावनगर जिले के उच्च अधिकारियों को किसानों को जल्द मुआवजा देने और सड़क निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए लिखित प्रतिवेदन दिया गया था। જો અમને વળતર આપેલું છે કે નહીં એ અમને કાંઈ ખબર નહીં, વચમાં હું છું એ કાંઈ ખબર નથી, બાકી અમને વળતર આપી દે અને રસ્તો ચાલુ કામ રસ્તાનું કામ ચાલુ કરી દે તો અમને કાંઈ વાંધો નથી, અમને વળતર મળવું જોઈએ। અને ભડીથી જવા, ભડી કે ભંડારીયા જવાવાળા માણસોને બહુ તકલીફ પડે છે, અહીંથી ક્યાંય જવાય એવું નથી, આમ ફરી ફરી કોબડીથી જવું પડે છે અને આ રસ્તા બધા બંધ છે, તો આ જે કામ રસ્તાનું અટકેલું છે એ અમને વળતર આપે અને કામ ચાલુ કરી દે તો અમારે કાંઈ વાંધો નથી। વાડીએ જવાની માણસોને બહુ મુશ્કેલી પડે તો રસ્તો થઈ જાય તોય તે સારું, વળતર આપે તો શરૂ કરી દે કામ। બસ અમારું એવું કામ કહેવાનું કામ છે, બીજું કાંઈ કામ છે નહીં। અમને સરકારને વિનંતી કરીએ કે અમને વળતર આપી દે જલ્દી ને જલ્દી અને કામ ચાલુ કરી દે જેમ બને એમ જલ્દી, બરાબર। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर मुस्लिमों ने की पुष्प वर्षा।
दिए गुलाब के फूल। बुलंदशहर पुलिस के साथ कांवड़िया व मुस्लिमों ने निकाली तिरंगा कांवड़ यात्रा। कांवड़ तिरंगा यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाबटी में जगह जगह की पुष्प वर्षा। राजस्थान के शाहबाद कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सोमवार को श्रावण का दूसरा सोमवार होने के कारण शिवालयों में सुबह से ही पूजा करने वालों का तांता लगा रहा। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते नजर आए। शाहबाद कस्बे में प्राचीन सहस्त्र ईश्वर महादेव मंदिर, तपस्वी की बगीची के मंदिर, पंडा खेल खो के शंकर भगवान एवं बस स्टैंड के रामेश्वरम महादेव प्राचीन शिव मंदिर ऊपर भक्तों की भीड़ दिखाई दी। महिलाएं, पुरुष एवं बच्चियां सुबह से ही बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहुंची और भगवान शिव का अभिषेक किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।